रीवा एमपी त्योंथर क्षेत्र के समस्त विधानसभा के समस्त पोलिंग बूथों के समर्थकों के साथ देवेंद्र सिंह नामांकन पत्र डालने रीवा पहुंचे। क्षेत्रीय जनता युवा वर्ग में बेहद उत्साह देखने को मिला। त्योंथर की जनता अपने मन बना चुकी है कि इस बार बाहरी नेता को कोई तरजीह नहीं दी जाएगी। देवेंद्र सिंह ने समस्त जनता जनार्दन के विशाल जन समर्थन को देख सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया एवं उन्होंने ये संकल्प लिया कि त्योंथर में बेरोजगार युवा किसानों की समस्याओं का निदान, बिजली की आपूर्ति, प्रत्येक गांव में कनेक्टिविटी, रोड एवं आवारा मवेशियों की समस्याओं के निदान जैसे महत्वपूर्ण ज्वलंत विषयों पर तत्कालिक रूप से कार्य करेंगे और त्योंथर के संपूर्ण विकास के लिए उनके पास पूरा रूप मैप है। 5 वर्षों का उसी पर वे पूरी वरीयता देकर कार्य करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह, त्योंथर विधानसभा 70 से मैं भारतीय बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी। आज आप नामांकन पत्र भरे हो, आप क्या विकास का मुद्दा क्या रहेगा, चुनाव लोगों के बीच में क्या मुद्दा लेकर आए मैंने एक त्योंथर के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया है, 8 पॉइंट का है कि सबसे पहले किसानों की खुशहाली हो, बिजली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है। फिर मैंने जो है तो त्योंथर के व्यापार और उद्योग और युवाओं के रोजगार के लिए पर्यटन हब के रूप में त्योंथर को प्रदेश के नंबर 1 पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करना है कि नदी जल का उपयोग और पहाड़ों में जो अपने धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उनका उपयोग करेंगे। तीसरा जो है तो त्योंथर में देउर कोठार के नाम पर के नाम से विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का बौद्ध विहार रहा है, उसमें पर्यटन केंद्र के रूप में उसको डेवलप, इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट के रूप में उसको डेवलप करना है और वहाँ से जो है तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के बहुत सारे स्कोप हैं, पहाड़ पर से स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, इस ढंग के बहुत सारे खेलों का वहाँ से किया जा सकता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।